नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप कहोगे कि आज यहाँ पे कहाँ पे शुरुआत कर दिया हमने, तो आज का ये जो दिन है, हम निकल रहे हैं कर्नाटक के लिए। अभी अहमदनगर में कुछ विजिट है। सुबह 3 बजे उठकर 4 बजे के आसपास हम निकल गए थे। अभी थोड़ा सा 60-70 किलोमीटर अहमदनगर बाकी है, वहाँ पे हमारा विजिट भी चालू होने वाला है। कुछ किसानों का रिक्वेस्ट था कि यार आप विजिट सर्विसेज में क्या जानकारी देते हो, वो हमें भी बताया करेंगे तो और भी अच्छा हमारे लिए हो जाएगा। और आपको पता है ये हमारी अनिर्मता फैमिली है, फैमिली मेंबर ने अगर कुछ रिक्वेस्ट किया तो हम उसको देने का ही वो कोशिश करते, जेन्युइनली देने का कोशिश करते, उसके पीछे का स्वार्थ हम कभी भी नहीं देखते। तो मैंने सोचा यार ये बात तो बनता है, बंदा भी सही कह रहा है, तो आपको भी वो जानकारी मिलनी चाहिए। लेकिन क्या हो गया, जब हमारे विजिट चलता है तब कुछ जो फुटेज है वो अगर भाई देखो, 3-3, 4-4 घंटा नॉनस्टॉप बोलते रहते हैं, तो 4 घंटे का ब्लॉग वगैरह वीडियो वगैरह आपको अपलोड तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव के तौर पर मैंने क्या सोचा है कि ब्लॉग के जैसे अगर आपको एक ट्रायल बेस है, आपको पसंद आया तो हम कंटिन्यू करेंगे, वरना डिसकंटिन्यू कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात वहाँ पे नहीं है, लेकिन बात बननी चाहिए। तो ये हमारा ट्रायल है, आपको कैसे लगता है कैसे नहीं लगता है मेरे को कमेंट में जरूर बताना है। लाइक सभी को करना है यार, क्योंकि यहाँ पे आपके प्यार की जरूरत है, तो आपका प्यार कभी भी कम नहीं होना चाहिए, तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। तो ये ब्लॉग होने वाला है, माय फर्स्ट ब्लॉग भी आप इसे कह सकते हो। तो इस ब्लॉग के द्वारा हम बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, पॉसिबल होता है नहीं होता है वो तो सब आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन प्रयास करने में मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। आज के दिन की शुरुआत तो एकदम बढ़िया हो चुकी है, आपको कुछ नज़ारे भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। सुबह का मॉर्निंग का टाइम बहुत ही अच्छा होता है, फ्रेश होता है। किसान भाइयों, अभी हमारा पहला विजिट कवर हो गया है। हम कुछ शॉट लिए है, बीच में छोटा सा बाइट लिया है, तो वो भी आपको इस ब्लॉग में दिखाई देगा। अभी हम सेकंड वाले विजिट की तरफ जा रहे हैं। तो जो पहला विजिट का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा था, और जो भी नई बातें है वो आपको इस ब्लॉग के एंड में तो पता चलने ही वाली है, वो शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको ब्लॉग एंड तक देखना पड़ेगा। और रही बात जो भी नई नई बातें वो आपको अच्छी तरह से समझा जाएगी, लेकिन घूमने का जो एक्सपीरियंस रहता है, जो भी एक मज़ा है अलग से बाहर निकलने का, जो नेचर का जो फीलिंग होता है वो कुछ अलग ही होता है, वो भी आप अभी इस ब्लॉग में मैं आपके साथ कुछ शेयर भी करने वाला हूँ। किसान भाइयों, हम जिस जगह पे जा रहे हैं, उस जगह पे जाने से पहले हमें लगा कि आगे की तरफ अच्छा से खाने पीने का प्रबंध हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होटल अच्छा वाला मिल जाएगा। अभी लगभग 1 बज रहा है, और 1 बजने के बाद भी इस रूरल एरिया में ही, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट ही नहीं है, ट्रॉपिकल एरिया है, तो यहाँ पे कुछ इकोनॉमी नहीं है, तो यहाँ पे होटल भी नहीं है अच्छे, तो कुछ ऐसे घूमते फिरते ऐसा भी अनुभव आ जाता है कि भाई खाने के लिए कुछ अच्छा मिलता ही नहीं है। तो ये भी एक बात नोटिस करने की चीज़ है कि आप जब भी ट्रैवलिंग करते हो तो ट्रैवलिंग के वक्त कुछ ना कुछ खाने के लिए रखा करो। एक छोटा सा एडवाइस था मेरी तरफ से, जो कि कॉमन सेंस वाला बात है, सभी को पता भी है, तो ऐसे ही मैंने सोचा बता दूँ। लेकिन यहाँ पे एक बात नोटिस करने की चीज़ है कि भाई जिस एरिया में डेवलपमेंट ज़्यादा दिखता है, इकोनॉमी ज़्यादा दिखता है, तो वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ का किसान समृद्ध है, तो किसान समृद्ध होगा तो वो एरिया डेवलप हो जाता है। जहाँ की खेती समृद्ध नहीं होती वहाँ का एरिया भी डाउन रहता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि किसान अगर सफल होगा तो ही वह उस गांव का, उस देश का विकास हो सकता है, ये बात हमें इससे पता चलती है। तुम्ही स्टिकर चा वापर करा, स्टिकर चा वापर केला
हा प्रकार थांबल, तुमचं औषध असं पसरल, मग ड्रेंचिंग मध्ये तुम्ही म्हणता मी हे सोडलं मी ते सोडलं, अहो ड्रेंचिंगचा सोडा हो, तुम्ही जे लिक्विड फर्टिलायझर वापरतात ना 12x44 त्याच तेच हो राहिलं ना, त्याचे रिझल्ट नाही ना तुम्हाला, यांना येतात या दोघांना येतील, हा यांची थोडस तुमच्यापेक्षा बरं आहे म्हणून खरं खोट आहे। आम्ही खत सोडतो वॉटर सोल्युबल, पण ते तुम्ही म्हणतात तस मुद्दा होता असणार आहे। लिचिंग 5 किलो दिलं, 2 किलो भेटलं, 3 किलो गेलं वाहून, काय मजा नाही। पण